60, 5 members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. Leader of the House. छब्बीसवीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर। आईनी तरमीम के मुताबिक अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वजीर आजम को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। वजीर आजम सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम जेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुदत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इंतखाब के लिए जुडिशियल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तायुन करेगा। आईनी तरमीम में 1 जनवरी 2028 तक सूद को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की बेशक मुतफिका तौर पर मंजूर। सेनेट में आईनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमती वोटों की तादाद 58 रही। JUI के 5 और BNP मैंगल के 2 अरकान ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं दिया। तरमीम को मंजूरी के लिए कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। चीफ जस्टिस का तकरर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा, जो 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकरर करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजेंगे। चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 3 साल और उम्र की बालाई हद 65 बरस होगी। पार्लियामेंट में पेश 26वीं आईनी तरमीम का मुसविदा मंजरेआम पर आ गया। चीफ जस्टिस के तकरर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी, जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट से होंगे। सेनेट में पेश करदा आईनी तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट जजेस का तकरर कमीशन करेगा, जिसकी सबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटर्नी जनरल, कौमी असम्बली और सेनेट के 2-2 नुमाइंदे और 15 साल तजुर्बे का हामिल बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होंगे। आईनी तरमीम के मुताबिक वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच तशकील देने की तजवीज़। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकरर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। जुडिशियल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तायुन करेगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत असखुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आईन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 215 में तरमीम की भी मंजूरी, जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ओहदे की मियाद पूरी होने पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के आने तक बरकरार रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम को वफाकी काबीना से आईनी तरमीम के मुसविदे की मंजूरी मुबारक हो। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क के आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संग मील उबूर हुआ। आवाम से किए गए अपने वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मौलाना साहब और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो PTI की तरफ से अब रद्द अमल आया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अफसोसनाक बात है। मैं फिर भी ये सब कुछ कह के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उम्मीद रख सकता हूँ कि उनको साथ देना चाहिए, मगर आई वुडन्ट बी होल्डिंग माय ब्रेथ। PTI साथ हो या ना हो, आज हर हाल में इंशाल्लाह ताला ये काम पूरा होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि PTI साथ हो ना हो, आज आईनी तरमीम हर सूरत हो जाएंगी। उनकी और मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI का रद्द अमल बहुत अफसोसनाक है। PTI ने हर फोरम को इस्तेमाल किया, लेकिन तरमीम पर एक लफ्ज़ नहीं दिया।
वो फिर भी दरख्वास्त करते हैं कि पीटीआई कौमी मफाद में इस तरमीम का साथ दे। पीटीआई अरकान ने कमेटी में और मुलाकातों में इतफाक राय किया था, तरमीम में कोई मुतनाज़े पॉइंट नहीं बचा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद सीनियॉरिटी के साथ मेरिट की बात की। अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ्फुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीके इंसाफ ने भी इत्तेफाक किया है, मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतकद हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने से इनकार। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद उनके हमरा मीडिया ब्रीफिंग में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो हर फैसला बानी पीटीआई के मशवरे से करते हैं। जिस तरह बिल पर काम हुआ, उनके अरकान को हिरासा किया गया, इसकी इन्होंने मुजम्मत की है। 26वीं तरमीम पर मौलाना के किरदार की कदर करते हैं, मौलाना साहब से मुस्तकबिल में भी ताल्लुक रहेगा, उन्हें फजल रहमान के वोट करने पर कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उन्होंने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं, जहर निकाल दिया है, किसी दर्जे में कोई तहफ्फुज रह ही जाता है। पीटीआई को मतन पर एतराज नहीं, वो समझते हैं पीटीआई ने जायज एहतजाज किया है, तरमीम के लिए किसी पार्टी पर जबर नहीं कर सकते, सीनियोरिटी के साथ कारकर्दगी की भी अपनी अहमियत होती है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि उन्हें कोई नाग नजर नहीं आ रहा, मौलाना तो हमारे साथ हैं, बेहतर होता कि पीटीआई पार्लियामान में अपनी सिफारिशात लेकर आती। सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि पीटीआई वाले कहते हैं रोजे अवल से फैसला कर लिया था कि हम इस बिल में हिस्सा नहीं बनेंगे, हमने 26 निकात पर इत्तेफाक किया था, 22 निकात आ रहे हैं, जेयूआई की वजह से 4 निकात हटाए गए, लाए वो निकात, मैं सपोर्ट करूंगा। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि आईनी तरमीम के मुसवदे पर खासी अर्करेजी की गई है, हमने कहा कि कौमी और सूबाई असम्बली की तरह बल्दियाती इंतखाबात भी हों, फाल बल्दियाती हुकूमतें होनी चाहिए। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ के साथियों से कहूंगा कि मुल्क की बका के लिए हमारा साथ दें। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आईनी तरमीम जुल्म करके लोगों को अगवा करके किया जाए तो ये कौन सी तरमीम है। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई को कायल किया ही नहीं जा सकता, पीटीआई ना मानी तो मौलाना फजल रहमान अपना मुसविदा खुद पेश करेंगे, वोट आज होगा, नवाज शरीफ जरूर आएंगे और वोट करेंगे। वज़ीरे आज़म के मुशीर कहते हैं वीडियो और ऑडियो का जमाना है, कोई बंदा सामने आए और बताए कि इतने अरब रुपए की ऑफर हुई, वो अगवा होकर पार्लियामेंट में बैठे हैं तो ये इनसे मिल लेते। गौहर खान के बकौल उनके सात बंदों का जमीर जाग गया है, वो हमें वोट देंगे, किसी का जमीर जाग कर हमारी तरफ भी वोट आ सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर, प्लान के तहत पीटीआई का एक बहुत तगड़ा ब्लॉक बन चुका है। फैसल वाबरा का दावा, मीडिया से गुफ्तगु में दावा किया कि इस ब्लॉक को एक जीरक आदमी हेड करेगा, वो पहले ही कह चुके हैं कि एमकेएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी, आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर 224 से ऊपर जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम पर बिलावल का, फजल रहमान और फजल रहमान का पीटीआई से इत्तफाक है, जबकि राणा सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के मुसविदे से इत्तफाक किया है। गोया सबका इस पर इत्तफाक है कि जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस नहीं बन रहे, चीफ जस्टिस का तकर्र सीनियॉरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। माशाल्लाह क्या खूब इत्तफाक है, वेल डन ऑल। मीरपुर खास में जाली पुलिस मुकाबले में मारे गए डॉक्टर शाहनवाज की कब्र कुशाई के बाद के पोस्टमार्टम और डीएचक्यू अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फर्क, पुलिस सर्जन का कहना है कि समझ से बाहर है, डीएचक्यू अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलती कैसे हुई, मामले पर सेक्रेटरी सेहत को महकमाना कार्रवाई का इख्तियार है। डॉक्टर शाहनवाज की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम में तशद्दुद की तस्दीक की गई है, डीएचक्यू अस्पताल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 गोलियां लगने का जिक्र था लेकिन तशद्दुद का जिक्र नहीं था। We'll be right back.
पिशावर, नौशहरा, चारसद्दा, स्वाबी, कोहाट, डीआई खान, टांग, मानसहरा, स्वात, शांगला, बुनेर, लोअर दीर, बाजौर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात, विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की खाली नशस्तों पर गैर हतमी और गैर सरकारी दताइश के आने का सिलसिला जारी। पोलिंग के लिए 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज़ क़याम के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। सूबाई अथॉरिटीज़ मरकजी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। सूबाई अथॉरिटीज़ के लिए गवर्निंग बोर्ड और डायरेक्टर जनरल बनाने की तजवीज़। गजा में बैतुल अहया के गुंजान आबाद इलाके में इसराइली बमबारी से 80 फलस्तीनी शहीद, शहदा में औरतों बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। इसराइली फौज ने पनाह गुजीनों की इमारत को निशाना बनाया। मलबे में मुतादिद अफराद के दबे होने से जानी नुकसान में इजाफे का खदशा। कमाल उद्वान अस्पताल के अतराफ गोलाबारी। इसराइली फौज ने अस्पताल के पानी के टैंक और बिजली नेटवर्क को तबाह कर दिया। इसराइली फौज की गजा में अपने 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। हमास रहनुमा खलील अहया ने कहा है कि इसराइल शिमाली गजा में मंसूबे के तहत जो कुछ कर रहा है वो नाजी अजम का नया बाब है। सहूनी फौज हमारे लोगों को घरों से बेदखल करने के लिए ऑपरेशन कर रही है। इसराइली फौज के बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों से इनखला के अहकामात, वादी थोर और वादी अलबका पर शदीद बमबारी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज के फैसला कौन टेस्ट के लिए पेंडी स्टेडियम में पिच की तैयारी जारी। पिच को सुखाने के लिए पंखे और हीटर्स का इस्तेमाल। दिन के औकात में पिच पर कवर्स भी नहीं डाले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से रावलपिंडी में ट्रेनिंग शुरू करेगी। इंग्लिश टीम मजीद एक दिन आराम के बाद मंगल से प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज का फैसला कौन टेस्ट भी बराह रास्त नशर करेगा। न्यूजीलैंड की भारत में 36 साल बाद टेस्ट मैच में फतह। बेंगलुरु टेस्ट में कीवी टीम ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड के रिचन रविंद्रा शानदार बैटिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 159 रन का हदफ दे दिया। कीवी टीम ने 5 विकेट पर 158 रन बनाए। एमेलिया केर 43, ब्रुक हेलिडे 38 और सूजी बेट्स ने 32 रन बनाकर ये नुमाया रहीं। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी, 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए। लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ट्रायल्स। पहले रोज बड़ी तादाद में नौजवान ट्रायल्स देने पहुंचे। सीईओ आतिफ राना का कहना है कि आकिब जावेद को पीडीपी के लिए शामिल किया। उन्होंने निचली सतह पर बहुत काम किया जिससे सैकड़ों प्लेयर्स सामने आए। जब जब पाकिस्तान के लिए जरूरत पड़ेगी तो आकिब क्या हमारी जान भी हाजिर है। आतिफ राना ने कहा कि जब से शाहीन कप्तान बना है क्रिकेट की फिक्र नहीं, ये शाहीन जाने और उसका काम। शाहीन आफरीदी कहते हैं वो जब भी ट्रायल्स पर गए कभी स्कॉलरशिप का नहीं सुना। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि जिस फ्रेंचाइज के लिए ट्रायल्स देने आए थे आज उस फ्रेंचाइज के लिए ट्रायल्स ले रहे हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले गुड़िया का घर पेश किया जा रहा है। फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।